भगवान शिव ने कैसे किया अपने पुत्र जालंधर का वध। दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र की ओर छोड़ दिया, जिससे महाशक्तिशाली जालंधर का जन्म हुआ, जो कि दिखने में बिल्कुल भगवान शिव के समान ही था। जालंधर की पत्नी वृंदा की पतिव्रता की शक्तियों के कारण सभी देवी देवता भी मिलकर उसे नहीं मार सकते थे, जिससे जालंधर को अपने बल पर अभिमान हो गया और वो कैलाश पर्वत जाकर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का आग्रह करने लगा। जिसे सुनते ही महादेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने जालंधर को मारने की हर कोशिश की, किंतु वृंदा के सतीत्व के कारण महादेव का हर प्रहार जालंधर पर निष्फल हो जाता। तब भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जालंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पतिव्रता धर्म टूट गया और तभी भगवान शिव ने अपने राक्षस पुत्र जालंधर का वध कर दिया। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।